हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टाइटंस। कैसे दोस्तों आप सब लोग? तो गाइस, आज मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर लाइव एनालिसिस करने वाला हूं। कल के दिनों में एक्सपायरी है, कल के दिनों में क्या क्या मोमेंटम पॉसिबल है उसके बारे में बात करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं क्या सपोर्ट है निफ्टी के लिए, क्या रजिस्टेंस है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो गाइस, सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है शॉर्टर पीरियड में, जो कि है 17,760 से लेकर 17,780 की करीब। ये दो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूव देखेंगे। जो अपसाइड मूव देखिएगा इस हम उसका अपसाइड मूव जो बनेगा लगभग कहीं ना कहीं 17,740 के करीब ये एक अपसाइड मूव बनेगा। ठीक है, बट अगर निफ्टी 17,680 के ऊपर ओपनिंग देता है या फिर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से कॉल ऑप्शन या फिर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट जा सकता है 17,740 के करीब। बट गाइस, याद रखना निफ्टी थोड़ा वीक है, यहाँ से डाउन मूव थोड़ा दिखेगा। अगर कल के दिनों में अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, जो गैप डाउन अगर ओपनिंग आज का जो लो था उसको ब्रेक डाउन करता है, जो कि लगभग 17,580 के नीचे है, अगर उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है और शॉर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज याद रखना, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए लगभग 17,580 के करीब है। 17,580 अगर आता है, वहां पर सस्टेन करता है, वहां पर सस्टेन करता है कि ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, तो वहां पर वेट करना होगा कैंडल्स का फॉर्मेशन के लिए। क्या कैंडल बना रहा है अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए? कभी कभी ऐसा होगा डाउन मूव बनाना रहेगा तो कैंडल ऐसा करेगा, देन फिर उसके बाद फिर ऐसा करेगा, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा जहां पे लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट देगा, फिर वहां से फिर ऐसा नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये याद रखना, मार्केट में अगर बने रहना है तो हमें कैंडल के फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर कल के दिन में फेक ब्रेकआउट भी देता है, सपोज अगर मार्केट यहाँ से उठता है, यहाँ से अगर सपोज गैप डाउन ओपनिंग देता है 17,580 के करीब, अगर वहां से उठने के बाद अगर ऐसा बनाता है तो यहाँ से भी गिर सकता है मार्केट। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बन सकता है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं हमें कैंडल के फॉर्मेशन के साथ साथ हमें वेट भी करना होगा क्या प्रॉपरली सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपरली सस्टेन करेगा तो हम कॉल ऑप्शन या फिर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट 40 से 50 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि मैंने बताया 17,680 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। बट गाइस, मार्केट में बेरिश मूव चल रहा है, हम बेरिश ही देखेंगे मार्केट को, बट ये ऐसा मोमेंटम पॉसिबल है, आपको ट्रैप कर सकता है मार्केट, बुलिश दिखाकर वापस बेरिश कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, 17,580 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, एंड 17,680 मतलब 100 पॉइंट्स का रेंज में काम करेगा निफ्टी। 17,580 के नीचे सस्टेन करता है तो हम वहां से डाउनसाइड जाएंगे, अगर 17,680 के ऊपर जाता है तो हम अपसाइड जाएंगे, जिसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 17,740, मतलब लगभग 80 पॉइंट का टारगेट हमें वहां से मिलेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनेगा निफ्टी के लिए? आप देख सकते हो कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं 17,550 का है। ठीक है, अगर 17,550 का ब्रेकडाउन करता है तो उसके नीचे हम और जा सकते हैं, जिसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 17,500 के करीब। ठीक है, ये डाउनसाइड में टारगेट दिखेगा, 17,500 के करीब हम जा सकते हैं अगर 17,580 को ब्रेकडाउन करता है तो। ठीक है, अपसाइड के लिए मैंने बताया 17,680 के ऊपर 17,740 का टारगेट इजिली जा सकता है। बट गाइस, याद रखना कल के दिनों में एक्सपायरी है, फेक ब्रेकआउट दिख सकता है। अगर कहीं ना कहीं अगर कल के दिनों फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग देता है तो कल हम वापस रेंज बाउंड देखेंगे मार्केट में, बट साइड बेस टू बेयरिश बन सकता है कल के दिनों में मार्केट। ठीक है, तो यार ये तो निफ्टी का था, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो गाइस, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो। मैंने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ प्लॉट करके रखा है, एक सपोर्ट प्लॉट करके रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग 42,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर 42,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट गाइस है लगभग 41,776, मतलब लगभग 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है अगर ब्रेकडाउन करता है 42,000। बट गाइस, एक चीज याद रखना, कल के दिनों में तो हम ज्यादा फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद ही उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो कल के दिनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? देखो गाइस, अगर बैंक निफ्टी 42,000 नीचे ओपनिंग देता है तो हम यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, टारगेट जा सकता है 41,776 के करीब। अगर 42,494 या फिर 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। आपके सामने मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हो।
कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इसके नीचे हम शॉर्ट देखेंगे, 42,000 के नीचे शॉर्ट देखेंगे। अगर यहाँ से अगर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ मतलब यहाँ से इसके नीचे ओपन नहीं होता, इसके ऊपर ओपन होता है तो हम अपसाइड मूव भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट गाइस मार्केट में साइडवेज टू बेयरिश का मोमेंटम हम कल देख सकते हैं, तो याद रखना गाइस 42,000 के नीचे शॉर्ट सेलिंग करना है लगभग 250 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, ठीक है। डाउनसाइड में अगर क्या और टारगेट बन सकता है, अगर 41,776 को ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 41,580 के करीब, ये जो नेक्स्ट टारगेट बन के दिख के आ रहा है गाइस, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का मोमेंटम बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर में। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, टेक केयर।